डियर ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए ऐसे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है श्रिंकेज क्रैक इन कंक्रीट। तो आज हम लोग देखेंगे कंक्रीट में क्रैक किस तरह से श्रिंकेज की वजह से डेवलप होता है और उसको किस तरह से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। श्रिंकेज इज नथिंग बट द रिडक्शन ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो कंक्रीट में मॉइस्चर लॉस होना एक कॉमन चीज है। अगर हम बराबर से क्यूरिंग ना करें, कवर ना करें, तो मॉइस्चर लॉस होता ही है। वो मॉइस्चर लॉस के कारण जब कंक्रीट का वॉल्यूम रिडक्शन होता है, तब वो कंक्रीट में सिंकेज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंकेज के कारण क्या क्या इश्यूज फेस करना पड़ता है। इट लीड्स टू डेवलप द क्रैक ऑन कंक्रीट सरफेस। ये फोटो में देखिए किस तरह से डेवलप हुआ क्रैक। हाँ, आगे देखिए। दस रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सिंकेज वुड इम्प्रूव बोथ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। डेफिनेटली जब क्रैक होता है कोई स्ट्रक्चर में, तो डेफिनेटली वो तो ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा ना। तो हम अगर सिंकेज को रिड्यूस कर सके, तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा स्ट्रक्चर का। इफ द वॉल्यूम रिडक्शन हैपेंस बिफोर द कंक्रीट हार्डन, इट टर्म्ड एज प्लास्टिक सिंकेज। जब कंक्रीट इस कंडीशन में रहेगा प्लेसिंग से पहले, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक सिंकेज। पर अगर वो हार्ड हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग सिंकेज। देख लेते हैं। हाउएवर व्हेन वॉल्यूम रिडक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ मॉइस्चर लॉस आफ्टर द कंक्रीट हार्डन्स, इट कॉल्ड ड्राइंग सिंकेज। तो कंक्रीट होने के बाद में, प्लेसिंग होने के बाद, हार्ड होने के टाइम पे जो सिंकेज होता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग सिंकेज। ओके, आगे चलते हैं। सिंकेज फॉर रीजन फॉर कंक्रीट सिंकेज वो क्या है। एक है पॉइंट वाटर सीमेंट रेशियो बहुत एक्स्ट्रा हो जाना, एक्सेस वाटर सीमेंट रेशियो, एक्सेस वाटर कंटेंट। ओके ना। फॉर गेटिंग हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट नीड्स एडिक्युएट अमाउंट ऑफ वाटर, बट द फ्री वाटर इन द कंक्रीट इज प्रीसियसली एसेंशियल कॉज ऑफ कंक्रीट सिंकेज। तो जो हम लोग कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट कंक्रीट में जो वाटर देते हैं, एक्चुअली वाटर हमारा क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस में यूज होता है। जो वाटर उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, बच जाता है, उसको हम बोलते हैं वाटर, फ्री वाटर इन कंक्रीट। ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा वाटर जो बोलते हैं, यूज का कुछ भी नहीं है, तो वो हमारा क्या होता है, क्रैक के लिए, सिंकेज के लिए सबसे बड़ा रीजन। तो हमको क्या करना है, वाटर सीमेंट रेशियो या फिर वाटर कंटेंट को ज्यादा नहीं देना है, जो कि पहला कारण है मतलब सिंकेज का। ठीक है, आगे देखते हैं। कंक्रीट क्वालिटी, कंक्रीट क्वालिटी क्या क्या होता है, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो पहले बताया, अगर कंक्रीट मिक्सिंग का टाइम बराबर हम लोग वाटर सीमेंट मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्वालिटी की वजह से वो वैसे होगा। सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट ज्यादा फाइन का कंटेंट रहने से भी वो सिंकेज का कहता है। ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, जैसे अभी ज्यादा हम लोग मान के चलो एक हायर ग्रेड का कंक्रीट है, उसमें हम लोग सीमेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी का ऐड किया। एक एग्जाम्पल है हमारा, 300 केजीज का एक सीमेंट दिया एक कंक्रीट एमक्यूब में, और एक एमक्यूब में दिया 500। डेफिनेटली 500 जो एक्स्ट्रा हाई अमाउंट ऑफ सीमेंट हो गया, तो डेफिनेटली हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसमें, तो सीमेंट कंटेंट की वजह से वो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है। और एग्रीगेट, एग्रीगेट भी वही है, एग्रीगेट को हमको ज्यादातर हमको हायर एग्रीगेट देना है, मतलब ज्यादा फाइन एग्रीगेट को नहीं देना है, जो कि हमारा प्रॉपर मिक्स हो पाए उसी का ही हम लोग को देना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या रीजन, वो भी एक क्रैक रीजन होता है। और सबसे बड़ी फैक्टर कंक्रीट सिंकेज का, वो है कंपैक्शन लेवल। जो कंपैक्ट करते हैं, बराबर से कंपैक्शन नहीं करेंगे, तो वो आता है। ठीक है, वो मतलब सिंकेज होता है कंक्रीट में। चलिए आगे देखते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या ओरिजिन हो सकता है कि उसको क्रैक करने का, उसके अंदर मतलब सिंकेज होने का। जी देखो, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हुआ, जैसे धूप हो रहा है बहुत ज्यादा, या फिर मतलब जैसे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, मतलब मॉइस्चर खींच लेता है वो, मतलब बॉडी से या फिर वो स्ट्रक्चर से, वो हो गया। या फिर हाई वेलोसिटी, जहाँ पे ज्यादा हवा चलता है, विंड का वेलोसिटी ज्यादा है, वहाँ पे भी क्या क्रैक होने का चांसेस, सिंकेज होने का चांसेस रहता है। कंक्रीट होने का तुरंत बाद उसको फोर्स से आता है ना, तो वो सिंकेज हो जाता है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल सरफेस स्ट्रक्चरल मेंबर, लाइक एक ज्योमेट्रिकल मतलब टाइप क्या होता है, एक स्लैब है, एक ओपन टू स्काई ओपन सरफेस ज्यादा है इसमें, एक जो इसका थिकनेस जो है बहुत कम है। ठीक है ना, एक स्लैब है, थिकनेस कम है, और उसका ओपन सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ क्रैक ज्यादा होगा। बट अगर कॉलम का देखेंगे, तो उसमें क्रम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि इसका डेप्थ, कंक्रीट का डेप्थ ज्यादा है, तो वॉल में भी ज्यादा क्रैक आएगा। तो कहना क्या है कि जो हमारा थिकनेस कम हो जाएगा, वहां पे स्प्रेड हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो वहां पे ज्यादा क्रैक आएगा विद कंपेयर टू द मतलब ज्यादा डेप्थ रहेगा तो कम आएगा, जैसे कॉलम, कॉलम में क्रैक कम आएगा, लेकिन स्लैब में ज्यादा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं प्रोसीजियर फॉर रिड्यूसिंग सिंकेज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, देखते हैं कंक्रीट किस तरह से सिंकेज होने से हम रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा रिड्यूस वाटर क्वांटिटी। जो हम लोग कंक्रीट प्लेसिंग के लिए यूज करते हैं, कंक्रीट मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें हम लोग वाटर कंटेंट ज्यादा नहीं रखना है। इवन हम लोग साइट लेवल में क्या होता है, कंक्रीट करने के टाइम पे एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं, क्योंकि स्लम कम हो गया, ये हो गया, ये सब मतलब वाइब्रेशन के लिए ज्यादा हमको बराबर नहीं हो पाएगा, वर्केबिलिटी बराबर नहीं हो पाएगा, ये सब समझ के क्या करते हैं, वो पानी ज्यादा वाटर यूज कर लेते हैं, जो कि उसको पूरा अवॉइड करना है। वाटर क्वांटिटी को कम ही रखना है, मिक्सिंग के टाइम पे हमको जितना चाहिए उतना ही रखना है, उसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, उसका प्रॉपर वे में हमको मॉइस्चर करेक्शन करके वाटर क्वांटिटी कम ही रखना है। आगे देखते हैं प्रॉपर कंक्रीट कंपैक्शन।
कंक्रीट कंपैक्शन, ये फोटो देखिए, एक हाइब्रिड हमारा जा रहा है, तो कंक्रीट का कंपैक्शन प्रॉपर वे में होना चाहिए ताकि कहीं भी वो वॉइड्स नहीं रहना है या फिर लूज कंटेंट नहीं रहना है, जाकि वहां पे वॉल्यूम को इफेक्ट करेगा, वहां क्रैक होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर क्यूरिंग, तो प्रॉपर क्यूरिंग हमको किस लिए करना है कि हमारा वो जो मॉइस्चर लॉस होगा वो उसको अवॉइड करेगा, ताकि उस श्रिंकेज को होने से बचाएगा, क्रैक भी हमारा डेवलप नहीं होगा। कंक्रीट के क्यूरिंग भी सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो श्रिंकेज का, उसको हमको ध्यान देना है, उसको हमको अवॉइड करना, मतलब अवॉइड करने के लिए क्यूरिंग करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, प्रोटेक्ट कंक्रीट सरफेस फ्रॉम रैपिड ड्राइंग। अगर हम लोग का कोई मतलब बहुत धूप के टाइम है वो सब है, हम क्यूरिंग तो कर रहे हैं, अगर मान लो सडनली कंक्रीट किया उसको हम लोग कवर मतलब क्यूरिंग नहीं कर सकते, सरफेस डैमेज हो जाएगा, तो उसके ऊपर सडनली हम कवर कर देना है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर उसको ड्राइंग करने नहीं देगा। इससे हम लोग भी जैसे बोलते हैं सीट क्यूरिंग भी करते हैं, वैसे भी पॉलिथीन से भी क्यूरिंग करते हैं, तो ये कवर टाइप का हो जाएगा, तो हमारा उसके अंदर से मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं टाइम ऑफ कंक्रीट, ये सबसे बड़ा चीज है जो कि हमारा श्रिंकेज जनरेटर, एक एग्जाम्पल है, दिन के 12 बजे जितना टेम्परेचर रहता है, जितना धूप रहता है सन का, जितना ये रहता है, रात को कंक्रीट का उतना नहीं रहता है, तो डेफिनेटली टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमको श्रिंकेज जनरेट होने का। तो हम लोग को दिन में अगर करेंगे ज्यादा टेम्परेचर आएगा, रात में करेंगे कंक्रीट टेम्परेचर कम आएगा, तो इसीलिए दिन में अगर हम कंक्रीट कर रहे हैं तो श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए हमको सडनली वाटर स्प्रे करना होता है या कवरिंग करना होता है, बहुत सारा चीजें हमको पहले से आज रखना पड़ता है, अरेंजमेंट्स करके रखना पड़ता है, अदरवाइज क्या होता है दिन का कंक्रीट में ज्यादा होता है, क्या श्रिंकेज ज्यादा होता है, जिनमें ज्यादा क्रैक जनरेट होता है, तो धूप का रहता है टेम्परेचर रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट वाला, एग्रीगेट क्वांटिटी। एग्रीगेट क्वांटिटी मीन्स क्या है, जो कोर्स एग्रीगेट उसको क्वांटिटी हम थोड़ा हायर में रखना है और फाइन एग्रीगेट थोड़ा कम ही रखना है, जिसकी वजह से हमारा इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कम करना, हमको जो मॉइस्चर हमारा जो इसका रेशियो मिक्सरियन का रेशियो को मेंटेन करके चलना है, पर हमारा इजी प्लेस अच्छा फिनिशिंग वो चक्कर में हमको ज्यादा फाइन एग्रीगेट नहीं बढ़ाना है, हमारा जो है एक्चुअल में उसको एक्चुअल में ही रखना है। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट क्वांटिटी, जो कि हमारा उसको अभी वो भी हमारा एक फैक्टर है जो कि सिंकेज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा किस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं सिंकेज को। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करिए, ताकि सब लोग मिलकर अपना इंप्रूव कर सकते हैं नॉलेज को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू।